तो दोस्तों ये प्योर ब्रांड की इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसका नाम है न्यू ई ट्रायंस। इसे आप 2022 मॉडल बोल सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे यूज़फुल बदलाव हुए हैं जो इस स्कूटर को बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बना देते हैं। साथ में इसे आप वैल्यू फॉर मनी स्कूटर बोल सकते हो। इस स्कूटर के बारे में सब कुछ हम जानने वाले हैं डिटेल से। सबसे पहले हम चेंजेस की बात करें, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसकी प्राइस, इसकी आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ने वाली 81,999 रुपये और आपको ऑन रोड पड़ जाएगी 93,500 रुपये। सो अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चेंजेस क्या देखने को मिलता है, फ्रंट में कोई भी चेंजेस नहीं, लेकिन फ्रंट के बारे में आपको बता देता हूँ। हेडलाइट आपको एलईडी मिल जाएगी और डीआरएल भी आपको एलईडी मिल जाते हैं, साइड साइड में है, इंडिकेटर भी आपको एलईडी मिल जाते हैं। सो फ्रंट लुक आपको इस स्कूटर का कुछ ऐसे मिल जाएगा, आप देख सकते हो आपको ऐसा कुछ मडगार्ड मिल जाएगा। और इसके सस्पेंशन की बात, सस्पेंशन वही है लेकिन पहले से इम्प्रूव किया गया ऐसा कंपनी बोल रही है। सो और अपडेट की बात करें, नेक्स्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगा इसके मीटर कंसोल में। अभी आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, पहले आपको एक छोटा सा मिलता था जो कि इतना खास नहीं था, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है। ये अभी हम ऑन करके देख लेते हैं। सो की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, अभी हम ऑन कर देते हैं, एकदम आपको ई प्लूटो 7G जैसा मीटर कंसोल मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सा। यहाँ पे आपका बैटरी शो करेगा, आपका पार्किंग एंड स्पीड बताएगा, ओडोमीटर आपका मिल जाएगा। और इसके हैंडल बार की बात करें तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, मैं आपको सारे स्विचेस बता देता हूँ। ये आपका थ्रोटल, ब्रेक, लीवर, यहाँ पे आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं। मोड के हिसाब से आपको स्पीड मिलेगी, एरेंज मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इस मोड पर कितनी स्पीड एरेंज मिलने वाली है। फर्स्ट पे आपको मिल जाएगी 35 की स्पीड और आपको रेंज मिल जाएगा 120 का, और सेकंड पे आपको मिल जाएगी 45 की स्पीड और रेंज भी आपको मिलने वाला है लमसम 100 के आसपास, और थर्ड आपको मिल जाएगी टॉप स्पीड 55 टू 60 के आसपास, उसमें आपको रेंज मिल जाएगी 90 के आसपास, 90 टू 100 के आसपास। और ये आपका पार्किंग का स्विच हुआ, और अभी यहाँ पे आपका मिल जाएगा हेडलाइट का स्विच, ये आपका हो जाता है हॉर्न। अभी हम चलते हैं लेफ्ट साइड। सो इधर की बात की, आपका अपर डिपर इंडिकेटर, ये हॉर्न, ये आपका हो जाता है ब्रेक लीवर। और इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको इसमें मिल जाता है CVS ब्रेकिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। एक्चुअली नाम मेंशन नहीं किया गया लेकिन वैसे ही काम करता है। फ्रंट से ग्लास ऐसे कुछ दिखने वाला है और इधर से आपको ऐसा कुछ प्लेन ब्लैक कलर का मिल जाएगा। और चेंजेस की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो सेक्शन है यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया, आपको सेम वैसे स्टोरेज मिलने वाला साइड में एंड हुक मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस किया गया। यहाँ पे आपको अभी सीट खोलने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप ऐसे अगर प्रेस करोगे, ऐसे करके ऐसे थोड़ा टाइम तक प्रेस करोगे तो अब आपकी सीट खुल जाएगी, जो कि सीट खोलने का पहले ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता था, अभी वो हटा दिया गया, अभी आपको यहाँ पे मिलता है। और नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो आपको अभी इसमें बिगर सीट मिलने वाली है पहले के कंपेरिजन में, जो कि काफ़ी बड़ी एंड अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाएगा। एंड क्वालिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो प्लेयर राइडर एंड राइडर को अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाएगा। एंड आपको ऐसी कुछ कवर मिल जाएगी, ई ट्रायंस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और ये रहा इसका ग्रैब रेल, इसका ग्रैब रेल भी थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी तो कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, आप देख ही रहे हो। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस पहले से बढ़ा दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात रहेगी। इसमें आपको साइड स्टैंड एंड डुअल स्टैंड दोनों मिल जाता है। तो यही चेंजेस हुए हैं और ये स्कूटर इधर से कुछ ऐसी दिखने वाली है। और अभी हम चलते हैं रियर में, बाद में हम बात करेंगे बैटरी एंड मोटर के बारे में। सो ये रहा रियर का सेक्शन, रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली, ये रहा मडगार्ड एंड टेल लैंप, और ये रहा ग्रैब रेल। और अभी हम चलते हैं लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली, जैसे आपने देखा था उधर डिजाइन वैसे कुछ आपको डिजाइन इधर से मिलने वाला है। अभी हम इसके टायर की बात कर लेते हैं, आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। फ्रंट में आपको टायर साइज मिलने वाली 90x100 की, रियर में आपको मिल जाएगी 3.00 की। और व्हील की बात करें तो आपको अलॉय व्हील मिलने वाली, जिसकी साइज आपको 10 इंच मिलने वाली है फ्रंट एंड रियर में। और व्हील पे देखें तो आपको ऐसा थोड़ा सिल्वर का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, रियर में आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादातर अदर स्कूटर में क्या होता है, आपको वन साइड सस्पेंशन देखने को मिलता है, इसमें आपको दोनों साइड सस्पेंशन देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात रहने वाली इस स्कूटर के लिए। और ये सस्पेंशन पहले से इम्प्रूव भी किया गया है। और इसके मोटर की बात करें तो आपको इसमें 2.5 किलोवाट की मोटर मिल जाएगी, इसकी वारंटी आपको 1 ईयर की मिलने वाली है। सो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। सो हम सीट को ओपन कर लेते हैं। सो ये रही सीट, और यहाँ पे आपको चेन देखने को मिला, पहले नंबर आपको बड़ी सी सीट मिल जाती है, उसके बाद आपको ऐसा कुछ स्टोरेज मिल जाएगा। ये रही आपकी बैटरी, ऐसे कुछ लगने वाली है, आप ये निकाल के NMC भी ऑफ करके बैटरी निकाल सकते हो। इसमें आपको पोर्टेबल बैटरी का ऑप्शन मिलता है, आप इस बैटरी को निकाल के घर पे भी ले जाके चार्ज कर सकते हो, साथ में आप पार्किंग में भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेकंड चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। सो अभी हम जान लेते हैं इस बैटरी के बारे में। बैटरी बाहर रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लॉक कर दिया। आपको कुछ ऐसी बैटरी मिलने वाली है लिथियन आयन की, जिसके ऊपर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी प्योर एंड लिथियन की। इसकी बैटरी की बात करें तो आपको मिल जाएगी 2.5 किलोवाट की। इसमें आपको चार्जिंग टाइम लगने वाला है 4.5 घंटे फुल होने में, और बिजली कंज्यूम होगी 3 यूनिट। और रेंज तो मैंने आपको बता दिया, आपको 120 के आसपास रेंज मिल जाएगी। जैसे आप मोड्स पे चलाओगे आपको 3 मोड्स भी मिल जाते हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इसकी वारंटी की बात करें तो आपको बैटरी की 3 ईयर की वारंटी मिल जाएगी, एंड मोटर एंड कंट्रोलर की वारंटी आपको 1 ईयर की मिलने वाली है। और ये रहा चार्जर, आपको कुछ ऐसा चार्जर मिल जाएगा। अभी ये बैटरी चार्जिंग पे लग
लगी हुई है। सो इसमें बहुत ही यूजफुल अपडेट हुए। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंडर दे देता हूँ, पहला आपको डिस्प्ले नया मिल जाता है, दूसरा आपको ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज कर दी गई है, तीसरा आपको लंबी सीट मिल जाती है, चौथी बात करें सस्पेंशन पे अच्छा खासा कंफर्ट आपको देखने को मिलेगा। इस बार सस्पेंशन को इम्प्रूव किया गया है। सो ये चार अपडेट हुए हैं बेसिक। पहले से अभी आपको इसमें अच्छी फिनिशिंग देखने को मिलने वाले है। सो ये रहा ओवरऑल इस स्कूटर के बारे में। आप लोग बताओ ये स्कूटर कैसे लगी और किसके किसके पास ये स्कूटर है, कौन कौन लेना चाहता है। सो इसकी प्राइस की बात करें तो आपको फिर से बता देता हूँ, एक्स रूम आपको पड़ने वाली 81,999 रुपये, ऑन रोड आपको पड़ जाएगी 93,500। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड प्राइस बताता हूँ, प्राइस हमेशा अप डाउन लगी रहती है। सो उसके लिए आपको शोरूम पे विजिट करना पड़ेगा। इस शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।